हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सीटीआई से रिलेटेड। देखिए, सीटीआई की जो फर्स्ट काउंसलिंग थी वो कंप्लीट भी हो चुकी है और उसका जो कॉलेज भी अलॉटमेंट है वो भी पूरा हो चुका है और आपको है ट्रांसफ़र के लिए भी आपको ऑप्शन मिल चुका है। जिसने भी आपका फर्स्ट चॉइस आपको नहीं मिला है, अलर्ट हो गया है, तो आपने प्रोविजनल एडमिशन भी करा लिया होगा, उसके बाद में आपका ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है और उसका ट्रांसफ़र का भी जिसने अप्लाई भी किया था उसका भी रिजल्ट आ चुका है। वो अपना चेक कर सकते हैं मेरा ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हो पाया है, ठीक है। जो फर्स्ट चॉइस जिन्होंने भरा था और फर्स्ट चॉइस ही उनको कॉलेज मिल गया है तो वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अदरवाइज़ किसी भी फर्स्ट चॉइस को छोड़ के आपके किसी भी आपको कॉलेज मिला है तो आप ट्रांसफ़र उसको कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लड़के क्या हैं, कानपुर को लेना चाहते हैं लेकिन कानपुर उन्हीं लोगों को मिल पाता है जिनका 85 प्लस है आपका जो नंबर है एंट्रेंस एग्जाम में, उन्हीं को आपको कानपुर कॉलेजेस मिल पाएगा। नहीं तो कानपुर कॉलेज का बहुत ही ज़्यादा मेरिट हाई जाता है। लेकिन एक विकल्प बचता है, अभी जो ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन आ रहा है इस वाले में ट्रांसफ़र आप ना करें, और कर भी लें अगर हो जाता है तो कोशिश भी कर लें, हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो आप जब आपका अपने कॉलेज जो मिला है उसमें आप चले जाएंगे, उसमें फीस सबमिट हो जाएगा, आपका पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपको 3 से 4 बार और आपका ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा बीच सेशन में चलते हुए। आपका 2 महीने गुजर जाएंगे आपके कॉलेजेस में, उसके बाद एक बार आएगा, फिर 1-2 महीने बाद फिर आएगा, ऐसे करके मतलब पेपर होने से 2-3 महीने पहले तक आपका आता रहता है ट्रांसफ़र का ऑप्शन। नियर अबाउट 3 से 4 बार हमारे सेशन में 3 से 4 बार आपका ट्रांसफ़र का ऑप्शन आया था, काउंसलिंग वाले पोर्शन को छोड़कर। काउंसलिंग में तो आता ही आता है ट्रांसफ़र का ऑप्शन, लेकिन काउंसलिंग जो कंप्लीट हो जाती है, एडमिशन क्लोज हो जाती है, उसके बाद भी आपका 4 बार लगभग आपका ट्रांसफ़र का ऑप्शन आता है, आप जब भी आपका अपना कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपने ITOT अगर चुन लिया है, नज़दीक के चक्कर में आपको नॉलेज नहीं है ITOT क्या होता है। देखिए, ITOT मैं बता दूं, 2 तरीके के कॉलेज होते हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट होता है जो कि सभी राज्यों में नहीं है, ITOT जो कि स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन प्राइवेट ITOT जो है सभी राज्यों में लगभग अवेलेबल है, 1-2 को छोड़कर, है ना। उसके बाद में क्या है, ITOT एक प्राइवेट होता है पूर्ण रूप से, उसमें आपको 40 से 50 हज़ार रुपये फ़ीस जमा करनी पड़ती है, प्लस आपका हॉस्टल का चार्ज रहता है, प्लस आपका खाने पीने का खर्चा भी रहता है, ऐसे करके पूरी साल का लगभग कैलकुलेशन करो तो 1.5 से 1.5 लाख से ऊपर ही आपका बजट बैठता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ITOT में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपका बहुत ही मिनिमम खर्चा होता है, और NSTI में अगर लेते हैं तो आपका और ज़्यादा कम खर्चा होगा। देखिए, NSTI और ITOT स्टेट गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। NSTI जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उसमें क्या है, आपकी लगभग नियर अबाउट, मैं अपना फीस रसीद भी आपको दिखा दूंगा अगले वीडियो में कभी भी, लगभग आपका 3500-3600 रुपये फीस जमा होती है, उसी में NSTI की बात कर रहा हूँ, उसी में आपको हॉस्टल 1 साल के लिए मिलता है और कॉलेजेस की फ़ीस जमा रहती है आपको। फिर खर्चा क्या रहता है, आपको मंथली का मेस का खर्चा देना पड़ता है, जो कि खाने का आपका खर्चा रहता है, लगभग 2300 से 2500 रुपये हर पूरा ऑल ओवर NSTI में रहता है। ऐसे ही ITOT में रहता है, ITO में फ़ीस 1-2 हज़ार रुपये बस ज़्यादा रहती है, किसी ITOT में 5500 रुपये फ़ीस रहेगी तो किसी में 6500 रुपये फ़ीस रहेगी, इससे ज़्यादा उसमें भी फ़ीस नहीं रहती, उसका भी हॉस्टल और कॉलेजेस दोनों की फ़ीस इतनी होती है। उसके बाद में आपको खाने का खर्चा मेस में अलग से देना पड़ेगा, वो भी आपका वही होता है 2300 से 2500 रुपये के नियर अबाउट। लेकिन जो लोग अच्छे नंबर पाए हैं और उनको जानकारी ज़्यादा नहीं है ITOT कॉलेज क्या है, तो ITOT प्राइवेट में अगर कोई फंस गया है तो अपना ट्रांसफ़र ज़रूर करा ले, क्योंकि उसमें आपको 40 से 50 हज़ार फीस जमा करनी पड़ जाएगी, ठीक। और उसमें फिर हॉस्टल का खर्चा भी अलग से लेते हैं प्राइवेट वाले, और मेस में खाने का भी खर्चा आपसे अलग से लेते हैं, आपके 1.5 लाख रुपये में आपका वो 1.5 लाख से ऊपर ही आपका CTI पड़ेगा, और अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, आई होप के फेल भी हो सकती हो तुम, ठीक। तो अगर मैंने जो 19-20 सेशन में CTI किया था हैदराबाद कॉलेज से, अगर आपको हैदराबाद के बारे में और कुछ जानना है, कैसे पढ़ाई होता है, कैसे प्रैक्टिकल होता है, क्या क्या करना होता है, CTI में कितना हार्ड वर्क करना होता है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, CTI हैदराबाद नाम से एक मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, उसमें बहुत कुछ मैंने मटेरियल डाल भी रखा है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर मिली होगी, नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
और मेरे चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।